आपका बेडरूम आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको ये पता भी नहीं होगा। हाय, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। आज मैं आपको ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स जो कि बेडरूम में होती हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये कॉमन मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं। अगर आपने बेडरूम डिज़ाइन अच्छे से नहीं किया है तो ये आपको सारी ज़िंदगी परेशान करेंगी। ये छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट का मोड पैदा करेंगी आपकी पूरी लाइफ में। उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट द बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन देयर। वो बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत सारे आपको वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। अगर आप अपने बेडरूम से ना खुश हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो है देखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। द फर्स्ट आइटम विच यू नीड टू डू इज मेजरिंग द बेडरूम राइट। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि लोग काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट मेजरिंग द बेडरूम। लोगों ने अपना बेडरूम का साइज़ भी मेजर नहीं किया है, उसमें कुछ भी बेड लगा देंगे, कोई भी टीवी यूनिट लगा देंगे, कोई भी चेयर और फर्नीचर लगा देंगे, कितनी भी अलमीराज बना देंगे। ये सब काम बाद में होगा, सबसे पहले मेजर करो उस बेडरूम को, मेजर करो, देखो बेड के लिए कितनी जगह है, अलमीरा के लिए कितनी जगह है, टीवी यूनिट के लिए कितनी जगह है। तो फर्स्ट टिप इज ऑलवेज मेजर द बेडरूम राइट। सेकेंड टिप, बाइंग अ बिगर बेड। मैंने अक्सर देखा है, ये सेकेंड सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं अक्सर घरों में देखता हूँ। लोगों के यहाँ स्पेस नहीं होती और लोग उससे बड़ा से बड़ा बेड खरीद लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मेजर करो, चेक करो कि आपके यहाँ 5x6 का बेड आएगा, 6x6 का आएगा, 6x7 का आएगा या और उससे बड़ा आ सकता है। अगर बेडरूम छोटा है तो छोटे बेड की कोशिश करो, क्वीन बेड लगाने की कोशिश करो या सिंगल बेड लगाने की कोशिश करो। अगर बेडरूम बड़ा है तो आप कितना भी बड़ा बेड 6x6.5, 6x7, किंग साइज, क्वीन साइज लगा सकते हो। सो ऑलवेज थिंक अबाउट बाइंग द राइट साइज ऑफ द बेड। द थर्ड कॉमन मिस्टेक आई सी, मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, इज कॉम्प्रोमाइजिंग द नेचुरल लाइट। तो लोग क्या करते हैं, वार्डरोब के चक्कर में या किसी और स्टोरेज स्पेस को बनाने के चक्कर में अपनी जो नेचुरल लाइट के सोर्सेज हैं उसे बंद कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है कि आपकी डोर विंडो बड़ा हो पर आप उसको बंद कर दो क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा वॉल बनानी थी या आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए थी। वो सब पॉसिबल है, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन के लिए। तो अगर आप रात को लेटे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठे हैं, तो नेचुरल लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड योर सेल्फ। उसी से बेडरूम बड़ा और सुंदर लगता है। तो नेचुरल लाइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फोर्थ मिस्टेक विच आई सी इज द हेडबोर्ड। ये हेडबोर्ड देख रहे हो आप पीछे, तो लोग इतना बल्कि हेडबोर्ड यूज कर लेते हैं। रूम छोटा सा है या रूम में उतनी ज्यादा स्पेस नहीं है पर हेडबोर्ड बहुत बड़ा है। मे बी टॉप टू बॉटम हेडबोर्ड है, मे बी सीलिंग टू फ्लोर हेडबोर्ड है, जरूरत ही नहीं है। अगर बेडरूम छोटा है तो छोटा हेडबोर्ड यूज करो। जितना स्लीक फर्नीचर रखोगे छोटे बेडरूम्स के लिए या एक मीडियम साइज ऑफ बेडरूम्स के लिए उतना अच्छा रहेगा। फिफ्थ, सबसे कॉमन मिस्टेक हर हिंदुस्तानी के घर में मिलेगी, टू मेनी ऑफ वार्डरोब्स। बहुत सारी अलमारियाँ, हम लोग फैंसी है ना अलमारी से, हमें बहुत मज़ा आता है बहुत सारी अलमारियाँ रखने में, हमें लगता है बहुत सारा स्टोरेज मिल जाएगा। हर हम इतनी सारी अलमारियाँ रख देते हैं घर में या कमरे में कि सिर्फ अलमारी ही दिखती है, वहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस तो होता ही नहीं है। बेड लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अलमारियाँ हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। तो मैं आपको भी बोलूँगा, ध्यान रखिए, कम से कम अलमारियाँ रखें, कम से कम अलमारियाँ पट्टी उड करें, मतलब जितना ब्लॉकर कम होगा उतना ही बेडरूम ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल, स्टोरेज के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। हमारे पास आइए, हम आपको बहुत सारे स्टोरेज के आइडियाज़ दे देंगे, थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे पर बहुत सारे आइडियाज़ दे देंगे। देन द सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक आई फील इज़ गलत वार्डरोब। तो जहाँ पर स्लाइडिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हिंज वार्डरोब लगा दी, जहाँ पर हिंज वार्डरोब की ज़रूरत है वहाँ स्लाइडिंग लगा दिया। तो ये बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता किस वार्डरोब का पर्पज़ क्या है। स्लाइडिंग वार्डरोब लगाना चाहिए पर उसके लिए फिटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरली स्लाइडिंग वार्डरोब्स ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं, तो आपको इफेक्टिवली चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी वार्डरोब लगानी है। अगर खुलने वाली वार्डरोब से काम चल रहा है और वो जगह भी आपको प्रॉपर दे रहा है तो ऑलवेज गो फॉर अ हिंज वार्डरोब। अदरवाइज मैंने एक वार्डरोब का पूरा वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जिसके अंदर आपको बहुत सारे वार्डरोब के टाइप्स के बारे में पता लग जाएगा। हमेशा सही वार्डरोब चूज करें अपने बेडरूम के लिए। द नेक्स्ट टिप इज टू मच ऑफ फर्नीचर। तो एक छोटे से 10x10 के बेडरूम में बेड भी है, अलमीरा भी है, टीवी यूनिट भी है, स्टडी टेबल भी है एंड अ बेडरूम चेयर भी है।
जब इतना सारा सामान एक छोटे से बेडरूम में होगा तो आप सोचो चलने फिरने की जगह ही कैसे होगी। तो आपको कोशिश क्या करना है कि मेरा बेडरूम जितना खुला हो, जितना खुला खुला लगे उतना ही ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस लगेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव यू मोर स्पेस इन द बेडरूम। जितनी ज़्यादा स्पेस रखोगे नीचे और ऊपर उतना ही घर अच्छा और सुंदर लगेगा। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है और आप सोचोगे यार ये कैसे हम गलती कर सकते हैं, पर ये कॉमनली होता है। नॉट हैविंग इनफ प्लग पॉइंट्स। मैंने देखा है कि लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स से बड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपने किसी बिल्डर से घर खरीदा है और बना बनाया अपार्टमेंट है तो उसमें आप ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, उसने आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए, अब आप उसी से काम चला रहे हैं। अब हो सकता है एक पॉइंट है जिसमें आपका हीटर भी चल रहा है, आपका मोबाइल का चार्जर भी लगा है या मे बी एक फ्लोर लैम्प भी लगा है, तो आप मल्टी प्लग, थ्री पिन प्लग, एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लगा के उसे यूज़ कर रहे हैं। और ये ऐसी गलती है आपको महसूस भी नहीं होती है, पर ये अक्सर मैंने देखा है लोग बेडरूम में गलती करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक वेल डिज़ाइन बेडरूम एंड अ वेल डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है एक बेडरूम की सुंदरता और एक बेडरूम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। सो गाइज, ये पॉइंट पे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है पर ये सच है। ज़बरदस्ती की एक्सेंट वॉल बना लेते हैं लोग, सोचते हैं कि मैं एक दुकान पर जाऊँ, एक कलर पैलेट लेके आऊँ और एक दीवार पर कलर कर दूँ या एक दीवार को बोल्ड कर दूँ। ऐसा नहीं होता। ज़बरदस्ती की एक्सेंट वॉल नहीं बनानी चाहिए, उससे बेडरूम की फील ख़राब हो जाती है, लग्जरी कम हो जाती है। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोग एक वॉल को डार्क पेंट कर देते हैं और बाकी तीनों वॉल्स लाइट कलर की हैं, और ये सबसे कॉमनली आप किसी के भी घर में चले जाओ आपको देखने को मिलेगा। मोनोटोन्स होने चाहिए या टोन की सिमेट्री होनी चाहिए, ज़बरदस्ती की एक्सेंट वॉल नहीं बनानी है। सो मेरे ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने किया है, आई एम सो सॉरी, पर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डिज़ाइनर्स भी ये गलती करते हैं, मैं सबको बोलता हूँ ये मत करो, ज़बरदस्ती की एक्सेंट वॉल मत बनाओ। कोई भी चीज़ लाइटिंग के बिना इनकम्प्लीट है, तो मेरे किसी भी वीडियो में अगर लाइटिंग का जिक्र ना हो लग्जरी में तो वीडियो कम्प्लीट नहीं है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ट्यूबलाइट्स को यूज़ करते हैं आज भी फॉर डेकोरेटिंग देयर होम और लाइक बेडरूम। ज़बरदस्ती ट्यूबलाइट पहले चला करती थी, आज मूड लाइटिंग, एक्सेंट लाइटिंग, ट्रिपल लेयर लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है। आई एम नो कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च होता है पर ओवरऑल फील एंड लग्जरी बहुत इनहांस करता है। तो अगर आप अपना नया बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, कोशिश करो कि आप ट्यूबलाइट ना यूज़ करो, मे बी कंसील लाइट्स यूज़ करो या मे बी डेकोर लाइटिंग यूज़ करो। उस तरीके के अगर आप एलिमेंट्स यूज़ करोगे तो सही लगेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ विद द पिलोज। जैसा आप ये देख रहे हैं ये पिलोज है ना, तो लोग इसमें इतना सारा प्ले करते हैं, इतने सारे पिलोज को यूज़ कर लेते हैं एक छोटे से बेडरूम में और ओवरऑल बेडरूम की सेंस ही ख़राब हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे पिलोज यूज़ करने हैं, मे बी यूज़ सम पिलोज विच आर नेसेसरी, उतना ही यूज़ करो जितनी ज़रूरत है। अगर लॉन्ग पिलो, अगर आपने कुशन नहीं बनाया पीछे तो मे बी एक लॉन्ग पिलो यूज़ कर सकते हो, अगर कुशन बनाया तो इतने ज़्यादा पिलोज रखने की ज़रूरत नहीं है, एक पिलो से भी काम हो जाएगा। डू नॉट ओवरडू विद योर पिलोज देन, मतलब समझ में आ गया। And my last tip for this particular video is too much together. मैं बोलता हूँ कि लोग सारी themes एक ही bedroom में डाल देते हैं, चाहे वो Indian home हो, Scandinavian हो, Bohemian हो या mid-century modern, तो लोग सब कुछ भर देते हैं एक ही bedroom में। उन्हें लगता है मैं एक painting भी लगा दूँ, मैं एक color भी कर दूँ, मैं एक wallpaper भी लगा दूँ, मैं bed के पीछे कुछ और भी कर दूँ और भी बहुत सारे elements use कर लूँ। ऐसा नहीं होता। एक bedroom की एक theme होती है, उस थीम के हिसाब से अगर आप बेडरूम को डिज़ाइन करोगे और बनाओगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, लग्जरी लगेगा। सब कुछ एक साथ में भी महीना दो महीना ठीक लग सकता है, पर तीन चार महीने के बाद आपको उस बोरिंग लगने लगेगा, आपको लगेगा मैंने क्या करा और ये टू मच हैवी ऑन द माइंड है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव एनर्जी अगर रखनी है घर में तो खुलापन होना चाहिए, सिंक्रोनाइज थीम्स होनी चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, बेडरूम को जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको देखने के लिए। अब आप जो भी बेडरूम डिज़ाइन करें तो ये कॉमन मिस्टेक्स का ध्यान रखिएगा, मत करिएगा। और अगर आप पूरा घर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कम टू अस, कम टू वुडोफा एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प, विल हेल्प यू अ गुड होम। ये हमारी जिम्मेदारी है। जाने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।